हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह दोस्तों सीरीज चल रहा है स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा से, जिसके अंतर्गत टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी, फिजियोथेरेपी, डोपिंग, फर्स्ट एड एंड मॉलिस मसाज। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है उसका। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं एंड डेली बेसिस से प्रैक्टिस कराया जा रहा है एक एक दिन के अंतराल पर। एंड दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए गलत तरीके से बाहरी पदार्थों का सेवन करने को क्या कहते हैं? तो उसे डोपिंग बोला जाता है दोस्तों। अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से आप उत्तेजक पदार्थों या दवाओं का प्रयोग करेंगे तो वो डोपिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार कम करने वाले दुर्ग यानी वेट रिड्यूसिंग दुर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ड्यूरेटिक्स जो होता है वह भार को कम करता है, इसको वेट रिड्यूसिंग दुर्ग बोला जाता है। और यह दोस्तों मासिक धर्म टाइम को भी चेंज कर देता है एंड डोपिंग को छुपाने के लिए भी काम करता है डायुरेटिक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है एसिटाजोलामाइड, बीमेनाइड, क्लोरथालिडोन, हाइड्रोक्लोथियाजाइड आदि आता है दोस्तों। मालिश दोस्तों डोपिंग है, डोपिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं मैं डिटेल बनाई हूँ, बस डोपिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज देख करके आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो आप इन करेक्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैराडोना, बेन जॉनसन आदि कई नामी ग्रामी खिलाड़ियों पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया, वह कौन सा दुर्ग था? तो वह दुर्ग था नेड्रोलोन। दोस्तों, जो नेड्रोलोन है वह एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत नेड्रोलोन, स्टेनाजोल, टेस्टोस्टेरोन आदि आता है। तो एनाबोलिक स्टेरॉयड क्या होता है दोस्तों? यह पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के जैसा समझा जाता है और इसके सेवन से अगर स्त्रियां इसकी सेवन करती हैं तो पुरुषों जैसा भारी आवाज, शरीर पर बाल आने लगते हैं। और एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है, यानी कि एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिनाइजिंग से है। एनाबोलिक स्टेरॉयड से तात्पर्य है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण से है, यानी हमारे टिश्यू यानी मसल्स को बिल्ड कर देता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग के अंतर्गत मूत्र के नमूनों में कैफीन की मात्रा कितने म्यू प्रति एमएल से अधिक होनी चाहिए? ठीक है, म्यू ग्राम प्रति एमएल से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, 12 म्यू ग्राम प्रति एमएल से अधिक होने पर डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित माना जाता है कैफीन का यूज करने से। ठीक है, कैफीन जो है दोस्तों यह आपका आता है स्टिमुलेंट्स यानी कि उत्तेजक के अंतर्गत, जो हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देती है। तो स्टिमुलेंट्स यानी उत्तेजक के अंतर्गत एम्फिटामाइन, बीटा एगोनिस्ट, कोकीन, कैफीन, इफिड्रीन, मिथाइल हेमानीमाइन ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोपिंग में AAS से क्या तात्पर्य है? जैसा कि दोस्तों मैं बताई, एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। तो यहाँ पे AAS से तात्पर्य होता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। क्या होता है? एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिनाइजिंग, और एनाबोलिक स्टेरॉयड से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी कि उत्तकों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉयड्स का पुरुष के किस हार्मोन से संबंध है? तो दोस्तों, पुरुष के टेस्टोस्टेरोन से संबंध है एनाबोलिक स्टेरॉयड का। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुष या महिला के डोपिंग में सम्मिलित होने के काल के पश्चात डोपिंग छोड़ने पर किस हार्मोन का स्तर नीचा हो जाता है? दोस्तों, पुरुष महिला कोई भी अगर डोपिंग ले लिया है उसके छोड़ने के पश्चात उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डोपिंग के अंतर्गत ईपीओ से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे ईपीओ से तात्पर्य होता है दोस्तों एरिथ्रोपोएटिन। क्या होता है? एरिथ्रोपोएटिन, जो आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में सहनशीलता आ जाती है, यानी कि ओटू लेने यानी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है तो उससे हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन की संख्या, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में लेकर के हमारे शरीर तक पहुंचाएगा, तो हमारे शरीर में सहनशीलता यानी स्टेमिना, ज्यादा समय तक कार्य करने की जो क्षमता होती है, सहनशीलता बढ़ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिथ्रोपोएटिन यानी ईपीओ नामक पदार्थ शरीर के किसके उत्पादन की मात्रा बढ़ा देता है? तो यह आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को बढ़ा देता है, जिससे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन को परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को हमारे समस्त शरीर तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन रहेगा तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर पहुंचाएगा, तो हमारे शरीर में सहनशीलता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? हाइपोक्सिया यहाँ तात्पर्य है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन की कमी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य है? दोस्तों हाइपो साइंस की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। यानी हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है? रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों रक्त में जब शुगर की मात्रा क्यों कम हो जाती है? जब हीमोग्लोबिन, जब इंसुलिन ज्यादा बनता है तो इंसुलिन का क्या कार्य है? वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनता है, इंसुलिन बनता है, तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर की कमी हो जाती है। और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है। हाइपर मतलब ज्यादा, रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना डायबिटीज या मधुमेह कहलाता है। तो यह कैसे होता है? जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन कम उत्पादन होता है, तो इंसुलिन जो है वह कम उत्पादन होने से ग्लूकोज को कम मात्रा में ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर पाता है, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसे हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैथेटराइजेशन नामक शब्द डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित विधियों से संबंधित है, इससे क्या तात्पर्य है? दोस्तों कैथेटराइजेशन से तात्पर्य होता है एक विशेष नली द्वारा पेशाब के ब्लेडर से पेशाब को बाहर निकालना। जैसे कि दोस्तों जो कैथेटराइजेशन है, यह छल साधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? छल साधन के अंतर्गत आता है, यानी कि डोपिंग को छुपाने के दो साधन हैं, एक मूत्र के नमूने को बदल देना और एक अंतःशिरा सम्मिश्रण। मूत्र के नमूने को बदलने में आपका कैथेटराइजेशन आता है, जिसमें एक खास नली के द्वारा पेशाब की थैली से मूत्र को निकाल दिया जाता है। और दूसरा होता है यूरिन सब्स्टिट्यूशन, जिसे स्वैपिंग, एडल्ट्रेशन या पोट्रिशन बोला जाता है। यह मूत्र के नमूने को ही बदल देता है, ठीक है। एंड अंतःशिरा सम्मिश्रण क्या होता है? यह किसी रासायनिक पदार्थ का रक्त के साथ मिश्र करना होता है, ठीक है, यानी डोपिंग के लिए गए रसायनों को छिपा सके। इससे संबंधित रसायन को सीधे सिराओं में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डोपिंग के परीक्षण के दौरान खिलाड़ी के मूत्र का परीक्षण करते समय कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दो तकनीक का प्रयोग किया जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में क्यों प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों यह इसके सेवन से, बीटा ब्लॉकर्स के सेवन से हाथ तथा शरीर के कंपन जो होता है वह दूर हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से रक्तदाब कम हो जाता है। इसके कारण से खास तौर पर निशाने से संबंधित खेल होते हैं उस पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, क्यों? बीटा ब्लॉकर्स जो होता है हमारे कंपन को कम कर देता है, जिससे हमको निशाना लगाने में आसानी होती है। तो इन सभी खेलों में इसको प्रतिबंध किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता से पहले भार से संबंधित खेलों जैसे कि बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो आदि में खिलाड़ी अपने भार को कम करने के लिए किस दवाई का प्रयोग करता है जो कि डोपिंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों भार को कम करने के लिए किसका प्रयोग करता है, भार वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स बोला जाता है उसको, ड्यूरेटिक्स। क्या होता है, ड्यूरेटिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो कि डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है वह क्या कार्य करता है। तो दोस्तों प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो होता है EPX वह रक्त के अंदर प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और एक और काम करता है EPX यानी प्लाज्मा एक्सपेंडर दोस्तों, यह EPO यानी कि एरिथ्रोपोएटिन को छुपाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि EPO को छुपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो EPX का, PEX का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डोपिंग के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में कौन सा डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं। तो दोस्तों वह होता है ब्लड डोपिंग यानी रक्त डोपिंग। ब्लड डोपिंग लेने के बाद यह पता लगाना मुश्किल होता है कि यह डोपिंग लिया है कि नहीं लिया है। दोस्तों रक्त डोपिंग होता क्या है, इससे हमारी एरोबिक क्षमता बढ़ती है, हमारी सहनशीलता बढ़ती है, लंबे समय तक कार्य करने की, लंबी दूरी तय करने में आसानी होती है। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि 4 से 8 सप्ताह पूर्व यानी कि 1 से 2 महीने पूर्व 2 यूनिट रक्त निकाल लिया जाता है और उसको निकाल करके रक्त में से RBC को प्लाज्मा से अलग कर दिया जाता है और डीप फ्रीजन में उसको रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बीच जो है रक्त को निकालने के बाद विटामिन और मिनरल्स, आयरन से भरपूर पौष्टिक चीजें लिया जाता है जिससे उसकी आपूर्ति हो सके। और जब प्रतियोगिता होना होता है दोस्तों तो प्रतियोगिता के 2 से 4 दिन पहले उस रक्त को जो डीप फ्रीजर में रखा गया है अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया जाता है जिससे उसके शरीर में RBC बढ़ जाता है, जिससे RBC के बढ़ने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन के बढ़ने से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में बढ़ जाता है जिससे शरीर में सहनशीलता बढ़ जाती है, एरोबिक क्षमता बढ़ जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड डोपिंग करने से खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किस चीज का फायदा होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एथलेटिक्स में कौन से खिलाड़ी का डोप टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले, चौथा, पांचवा या अन्य धावकों में लॉटरी प्रणाली से एक धावक का चयन किया जाता है कि सभी खिलाड़ियों का, कि पहले 20 का, कि पहले 10 का। तो नहीं दोस्तों, इसमें सभी खिलाड़ियों का, एथलेटिक्स में सभी खिलाड़ियों का डोप टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है टीम खेलों में एक टीम में के किन खिलाड़ियों का डोप टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी सभी खिलाड़ियों का डोप टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नीडिंग मसाज के प्रकारों के नाम बताइए। जैसा कि दोस्तों मसाज वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मसाज जो है 4 प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, शेकिंग यानी कि सहलाना, दबाना, थपथपाना और झुरझुरना। तो जो प्रेशर मैनिपुलेशन होता है यानी दबाना, वो 3 प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन यानी गुथना, चिकुटना और घर्षण। जिसमें से नीडिंग जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, नीडिंग 4 प्रकार का होता है, स्टेशनरी, स्क्यूजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर आयरिंग यानी निचोड़ना, एक ही जगह पर दबाना, चक्रीय रूप से दबाना और स्त्री करने स्वरूप दबाना। तो यहाँ पे नीडिंग मसाज के प्रकारों के नाम बताइए, तो यहाँ पे स्क्यूजिंग, स्टेशनरी, बस 2 ही नाम दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, A और B। नेक्स्ट है दोस्तों परक्यूजन मसाज कितने प्रकार के होते हैं। परक्यूजन यानी कि थपथपाना, ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। परक्यूजन मसाज यानी कि हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पैराफिन यानी मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय कितना तापक्रम रखा जाता है, तो इसमें 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अवधि के आधार पर चोटों को किन प्रकारों में बांटा गया है। तो अवधि के आधार पर चोटों को 3 भागों में बांटा गया है, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट और क्रोनिक। यहाँ पे उपरोक्त 3 सही होगा। एक्यूट इंजरी जो होता है वो तीक्ष्ण चोटें होती है यानी तुरंत लगने वाली चोटें जो 12 घंटे के अंदर की होती हैं, और पोस्ट एक्यूट क्या होता है जो 12 से 48 घंटे की चोटें होती हैं, और क्रोनिक चोटें जो पुरानी चोटें हो जाती हैं जो 48 घंटे से ज्यादा की चोटें होती हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति के आधार पर चोटों को कितनी भागों में बांटा गया है? तो इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक्सोजेनस एंडोजेनस, यानी बाह्य चोटें आंतरिक चोटें, ये उपयुक्त दोनों यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, घाव को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो दोस्तों घाव को चार प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसको ट्रिक के माध्यम से बताया है मैंने कि इसको पीला PILA यानी कि पी से पंचर यानी कि छेद हो जाना, इंसिजन माने रक्त फट जाना, लाइक इंसिजन माने कि उसमें कट लग जाना, लैक्रेशन यानी कि त्वचा फट जाना, एब्रेशन माने छिल जाना, रगड़ लग जाना, ठीक है, यही घाव के चार प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो इसको चार प्रकार में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, उस मसाज को क्या कहते हैं जिसे मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है दोस्तों? तो इसको स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाव की हस्तकौशल विधि को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो इसको तीन प्रकार में बांटा गया है दोस्तों, नीडिंग, पेटिसाज, फ्रिक्शन यानी निचोड़ना, चिकोटना और घर्षण, ठीक है, तीन प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट, नीडिंग मसाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों नीडिंग को चार प्रकार में बांटा गया है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरिंग, यहाँ पे उपयोग सभी सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेशर मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो प्रेशर मैनिपुलेशन को आपका नीडिंग, पेटिसाज, फ्रिक्शन, ये तीन प्रकार में बांटा गया है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पेटिसाज जिसे कहते हैं थप, पेटिसाज यानी जिसे चुकोटना बोलते हैं, यानी नीडिंग प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत आता है, नीडिंग, पेटिसाज, फ्रिक्शन यानी गुथना, चुकोटना और घर्षण। तो जो पेटिसाज यानी चुकोटना होता है वो तीन प्रकार का होता है, कौन कौन से, पिकिंग अप, ब्रिंगिंग अप, रोलिंग अप, ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रिक्शन मसाज के कितने प्रकार होते हैं? जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों यानी घर्षण, ये दो प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स और सर्कुलर यानी चक्रीय घर्षण, ट्रांसवर्स यानी तिरछा घर्षण, सर्कुलर यानी कि चक्रीय घर्षण, दो प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर C A and B सही होगा। नेक्स्ट है परक्यूजन मैनिपुलेशन यानी कि थपथपाने की हस्तकौशल विधि, वो कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? चार भागों में। नेक्स्ट है, परक्यूजन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार हैं? तो यह चार प्रकार का होता है, परक्यूजन यानी थपथपाना, चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, ये चार प्रकार के होते हैं। हैकिंग मतलब हाथ से हल्का हल्का प्रहार करना, क्यूपिंग मतलब हथेली को प्याले के आकार देकर थपथपाना, बीटिंग मतलब मुक्का बनाकर थपथपाना, पाउंडिंग मतलब हथेली की गुलाकी भाग अंगूठा उंगली को जोड़कर तबले बजाने जैसे थपथपाना। नेक्स्ट दोस्तों, परक्यूजन मैनिपुलेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि परक्यूजन यानी थपथपाने की जो हस्तकौशल विधि है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हाथ की हथेली को कप के आकार देकर मसाज करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो इसको क्यूपिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्यूपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हैकिंग मसाज को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो दोस्तों हैकिंग मसाज को डाइवर्टेज, कन्वर्टेज, लॉन्गिट्यूडनल, इन सभी भागों में बांटा गया है, तो उपरोक्त सभी होगा। वैसे दोस्तों हैकिंग मसाज को चार भागों में बांटा गया है, हार्ड हैकिंग, सॉफ्ट हैकिंग, डाइवर्टेज, कन्वर्टेज। हार्ड हैकिंग यानी ज्यादा प्रहार, सॉफ्ट यानी कम प्रहार, डाइवर्टेज मतलब कई बिंदुओं पर मालिश, और कन्वर्टेज मतलब एक ही बिंदु पर मालिश। नेक्स्ट दोस्तों, सैकिंग मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? सैकिंग यानी झकझोरने के हस्तकौशल विधि को दो भागों में बांटा गया है, वाइब्रेशन और सैकिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, A and B दोनों सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन से, वो क्वेश्चन आपको पूरा होंगे। उसके बाद जो आपका किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों आप बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।